डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। मतलब अगर आपको कोई एक फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी दिया हुआ है, उस फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कैसे कन्वर्ट करोगे, दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कैसे डिजाइन करोगे। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज ही रहते हैं। तो मैं आपको एक क्लियर कट आइडिया जो है वो यहाँ पे दे रहा हूं। तो मेरे पास यहाँ पे लेट्स से एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरे पास फ्लिप फ्लॉप है एस आर फ्लिप फ्लॉप और उसको मुझे डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब एसआर फ्लिप फ्लॉप एक तरह से मेरा गिवन फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो मेरा क्या है, एक तरह से रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, मतलब जिसमें मुझे उसको कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास ऑलरेडी है और इसको मुझे डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब देखो यहां पे सबसे पहले अब ध्यान से सुनो कि मुझे कन्वर्ट किस में करना है, डी में, और मेरे पास है क्या, एस आर। अब देखो जिस चीज में मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे मैं एक तरह से चाहता हूं कि ये उसकी तरह बिहेव करे, मतलब जो भी मेरा सर्किट है वो मेरा सर्किट डी फ्लिप फ्लॉप जो मैं चाहता हूं उसकी तरह बिहेव करे, मतलब उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी तरह शो हो। मतलब ये चीज बड़ा ध्यान से रखना क्योंकि पहला ही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप हम चाहते हैं कि, और डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करवाने का मतलब है कि डी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स दिखें। डी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए मुझे एक तरह से डी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास है क्या, एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप को मैं किस तरीके से एक्साइट करूं कि वो डी की तरह दिखने लग जाए। सिंपल सी लाइन है, एसआर फ्लिप फ्लॉप को मैं किस तरीके से एक्साइट करूं कि वो डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करने लग जाए, बस यही चीज हम चाहते हैं। तो यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल जो है वो यूज होगा। ठीक है, मतलब जैसे देखो मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है, मैं वरुण सिंगला, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है। अब कई बार क्या होता है कि लोग आपको आके कहते हैं कि आपने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब गुस्सा दिलाएंगे। अब गुस्सा दिलाएंगे तो आप एक्साइट होगे और एक्साइट होगे तो आप किसी और की तरह एकदम से बिहेव करने लग जाओगे। या कोई आपको बहुत ज्यादा आके तारीफ कर रहा है कि सर आप तो ये हो, आप तो फलाना, आपको दमगा, मतलब आप एकदम से अपनी पर्सनैलिटी से बाहर आ जाते हो। तो वो चीज क्या है कि आपको कोई ना कोई एक्साइट करने की कोशिश कर रहा है और आप किसी और की तरह करैक्टरिस्टिक या उसकी तरह बिहेव कर रहे हो, बस वही चीज यहां पे है। एसआर हमारे पास है, हम चाहते हैं कि एसआर को इस तरीके से एक्साइट करें कि वो बिहेव करे डी फ्लिप फ्लॉप की तरह, बस ये चीज है। तो ये मेरा गिवन, ये रिक्वायर्ड। तो अब कहानी आपके सामने है, तो फटाफट से हम लोग जो है वो पहले करैक्टरिस्टिक। अब देखो जिसकी तरह मुझे बिहेव करवाना है, मैं चाहता हूं कि उसमें ये करैक्टरिस्टिक आए, तो भैया पहले करैक्टरिस्टिक तो डिफाइन कर दो। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि वो इस तरीके से बिहेव करे, तो कैसा बिहेव करे, पहले अब वो करैक्टरिस्टिक तो लिख दो। तो यानी डी का करैक्टरिस्टिक टेबल फटाफट से लिख देते हैं। लो जी हमें आता है ऑलरेडी क्यू एन प्लस वन, करैक्टरिस्टिक टेबल में ये 0001 1011। ठीक है, अब हमें पता है कि डी जो है, जो भी हम देते हैं वो गिवन आउटपुट जो ऑलरेडी मेरे पास है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो हम देंगे वही वो देगा, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट। तो यानी डी वाली वैल्यू एज इट इज आपके आउटपुट में आती है। ये सिंपल सी कहानी, मतलब हमें करैक्टरिस्टिक पता लग गई। दूसरी चीज हम चाहते हैं क्या, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब मैं एसआर को किस तरीके से एक्साइट करूं कि वो डी की तरह, मतलब मेरे पास है क्या, एसआर फ्लिप फ्लॉप है और एसआर को मैं किस तरीके से एक्साइट करूं कि वो डी की तरह जो है वो बिहेव करे। तो यानी एसआर का एक्साइटेशन यूज करना पड़ेगा। तो एसआर का एक्साइटेशन टेबल हमें ऑलरेडी आता है, क्या होता है, 0001 1011, साइड में लिख लो एसआर का एक्साइटेशन टेबल 0001 1011। तो उसमें क्या लिखते हैं हम, 0x, ये क्या होता है, 010x
x010। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये मतलब s यहाँ पे qn और qn plus 1 की वैल्यू होती है, और ये s और r, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो जी, अब आप ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी sr, मतलब हम sr को एक्साइट करना चाहते हैं ताकि वो इस तरीके से बिहेव करे। मतलब मेरे पास ऑलरेडी आउटपुट ये है और हम चाहते हैं कि वो एक्साइट होके इसमें कन्वर्ट हो जाए, मतलब नेक्स्ट आउटपुट ये आनी चाहिए। तो यानी आप qn और qn plus 1 को यूज करो, qn और qn plus 1 को यूज करो। तो qn और qn plus 1 को यूज करते हैं, 0 0 0 0 पे क्या देता है ये 0x, तो सिंपली 0 0 पे क्या देता है 0x। ठीक है, 1 0, ध्यान रखना अभी ये 1 0 पहले आ गया, तो 1 0 के केस में ये क्या देता है 0 1 देता है। तो यानी एक्साइट कर दो, और यानी आप क्या दो इनपुट, 0 1 दो, तब ये 1 से 0 में कन्वर्ट होगा, बस ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट 0 1 0 1 के केस में क्या देता है 1 0, तो यानी एक तरह से 0 1 के केस में क्या हो गया 1 0 हो गया, और 1 1 के केस में मतलब x0। बस ये चीज याद रखना, इन दोनों को यूज करो, और इन दोनों को यूज करके s और r का एक्साइटेशन आप यहां पे बना लो, और ये टेबल आपको ऑलरेडी आता ही है, तो इसका यूज करके आप इस तरीके से डिजाइन कर लो। ये डिजाइन हो गया, मतलब आपका मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया। अब आप सिंपली चाहते हो कि sr में मैं क्या इनपुट दूं कि वो मेरा d की आउटपुट दे, मतलब ये वाली आउटपुट दे, ये आउटपुट दे। ठीक है, तो यानी अब मैं, मेरे पास इनपुट क्या है, एक तरह से इनपुट मेरे पास है डी और क्यू एन, जो ऑलरेडी है हमारे पास। ऑलरेडी क्या होता है सिक्वेंशियल सर्किट में, एक तो जो इनपुट दे रहे हैं और एक मेरे पास प्रेजेंट में जो आउटपुट है। तो यानी इन दोनों को हम यूज करके फटाफट से इन दोनों को सॉल्व करो, मतलब हम एस आर की इक्वेशन बनाए। तो एस आर की इक्वेशन बनाने के लिए भाई हम लोग यहाँ पे के मैप का यूज करेंगे। तो के मैप एस के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो डी और क्यू एन, यहाँ पे मेरा डी बार आ गया, यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, और क्यू एन, यहाँ पे क्यू एन बार आ गया, यहाँ पे दो ही वैल्यूज है डी और क्यू, क्योंकि ये तो आउटपुट है ना, ये तो अब आउटपुट है, ये तो हम चाहते हैं कि ये आए। तो अब हम इनपुट की बात कर रहे हैं कि एस में ऐसा क्या जाए कि वो आउटपुट दे डी के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है। तो बस डी और क्यू एन को यूज करो, डी और क्यू एन को यूज किया। अब देखो जी कहां कहां पे वन और कहां पे एक्स आएगा, ये देखो जी वन वन जीरो, वन जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे वन आ रहा है, वन जीरो मतलब टू, टू होता ही है, तो यहां पे वन आ रहा है। और ये देखो एक्स कहां पे आ रहा है, एस में वन कहां पे आ रहा है, वन जीरो मतलब टू में, और एक्स कहां पे आ रहा है वन वन मतलब थ्री में। तो इसको इस तरीके से यूज करो, बस यहां पे पेयर बना लो, पेयर बनाओगे तो एस की वैल्यू एक तरह से यहां पे क्या आ गई डी आ गई, मतलब आप एस में डायरेक्ट इनपुट एक तरह से क्या कर दो डी की कर दो, वो सिंपल उसी तरीके से बिहेव करेगा। देन ऐसी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग बना दो, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करेंगे सिंपल, ये डी बार, ये डी, ये क्यू एन बार, ये क्यू एन। अब देखो जी आर में एक्स, देखो पहली बार में एक्स आ गया, तो यानी जीरो जीरो पे एक्स आ रहा है, मतलब जीरो जीरो पे एक्स आ रहा है। डोंट केयर को भी यूज करो ताकि वो पेयर जो है वो बनाने में हेल्प करे। वन वन जीरो वन में, जीरो वन में वन आ रहा है, जीरो वन मतलब वन में। लो जी आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई डी बार आ गई, मतलब आप एस को तो एज इट इज डी में कन्वर्ट कर दो, मतलब एस जो इनपुट थी आपकी उसमें आप सिंपली डी की वैल्यू डाल दो, डी जो है वो एज इट इज डाल दो। लेकिन जो आर है, आर में आप क्या करो, आर में आप पहले एक नॉट गेट जो है वो डाल दो, नॉट गेट मतलब एक तरह से आप इन्वर्टर यहां पे यूज करो और वो आपका आर में चला जाएगा। तो अब देखो जी डी में आप एक तरह से जीरो दे रहे हो यहां पे, और यहां पे ऑटोमेटिकली क्या चला गया वन चला गया, बस सिंपल सी बात है, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो तैयार हो गया। तो एस आर को यूज करके हमने डी फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया, बस ये कहानी जो है वो याद रखना। अब आप इसके बेसिस पे जो मर्जी कन्वर्जन कर सकते हो, एस आर टू जे के, जे के टू एस आर, एस आर टू डी, एस आर टू टी, आपस में सारी कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।